जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, ये मेरे अपने नोट से थियरी पोर्शन, जहां हमने हु आर एंजल्स पार्ट को डिस्कस कर दिया। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजल्स ऑफ गॉड्स, और यू कैन से आर्क एंजल्स ऑफ गॉड्स। यहां पे मैंने इनके फर्दर डिस्कशंस लिखे हैं। सेक्रेट टेक्स्ट के बाद अब हम अपना एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाते हुए एंजल्स को या आर्क एंजल्स को पहले डेज के हिसाब से देखते हैं कि कौन से आर्क एंजल का कौन सा डे माना जाता है। फ्रेंड्स, माइकल के लिए संडे माना जाता है। अगर आपका गार्जियन एंजल माइकल है तो उसका डे है संडे। जब भी आप रिचुअल्स या प्रेयर्स करेंगे तो संडे के दिन डेफिनेटली माइकल को याद करें, और फिर माइकल आपके लिए हर काम के लिए काम आएगा। जब जब आप इसे इन्हें याद करेंगे वो आपके लिए आ जाएंगे। गैब्रियल मंडे को रिप्रेजेंट करते हैं, सो अगर आपके आर्क एंजल गैब्रियल बनते हैं सो आप उनकी रिचुअल्स और प्रेयर्स को मंडे करेंगे ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। रफाइल ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करते हैं, उराइल वेनेसडे को करते हैं। आप देख सकते हैं पहले ही चार आर्क एंजल, माइकल, गैब्रियल, रफाइल एंड उराइल, ये मेन होते हैं। आज के जमाने में ये चार ही आर्क एंजल है जो आपको प्रोफेशनल रीडिंग में भी काम में आएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। इसके अलावा है सेलाफियल जो थर्सडे रिप्रेजेंट करते हैं, रागुएल फ्राइडे रिप्रेजेंट करते हैं एंड बैराशियल सैटरडे को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैंने नोट भी लिखे हैं, आउट ऑफ द अबव सेवन ओनली फोर आर्क एंजल्स आर मेन। सबसे इंपॉर्टेंट चार ही है, दे आर माइकल, गैब्रियल, रफाइल एंड उराइल। फिर से मेरे साथ, माइकल, गैब्रियल, रफाइल, उराइल, ये चार ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आर्क एंजल्स मैंने डेज के हिसाब से बताए, कौन से आर्क एंजल का कौन सा डे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हालो कलर्स। फ्रेंड्स, हालो कलर्स का मतलब होता है पवित्र कलर। अब इस चीज को समझते हैं कुछ इस तरह, आपके सामने कोई आर्क एंजल आ जाता है तो आप उसे पहचानेंगे कैसे। तो हर आर्क एंजल के अपने कलर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गार्जियन एंजल बनते हैं माइकल, तो जब जब आप उन्हें याद करेंगे आपकी आंखों के सामने रॉयल पर्पल कलर या रॉयल ब्लू कलर या गोल्ड कलर नजर आएगा। इस चीज को फ्रेंड्स मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जिस किसी भी मोडालिटी से आपने सीखा हो, जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर मेडिटेशन करते वक्त आपको रॉयल पर्पल, रॉयल ब्लू या गोल्ड, ये तीन में से कोई भी कलर नजर आता है तो माइकल के प्रेजेंस की निशानी है। उसी तरह गैब्रियल, जिनका कलर है कोपर, कांस्य, तांबा, अगर आपके सामने कोपर कलर आ जाता है तो वो गैब्रियल के प्रेजेंस की निशानी है। उसी तरह रफाइल, जिनके लिए है एमराल्ड ग्रीन, और उराइल के लिए है येलो, और कुछ लोग इसे अंबर कलर भी कहते हैं, बट अंबर और आई थिंक येलो समवेयर मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। इट इज बेटर टू रिमेंबर बाय वे ऑफ येलो। सो आर्क एंजल दोबारा से रिवाइज करें, टोटल होते हैं 15। 15 में से दो आर्क एंजल के नाम ऑन वर्ड से एंड होते हैं और 13 आर्क एंजल के नाम एल वर्ड से, एल वर्ड से एंड होते हैं। सेक्रेट टेक्स्ट बाइबल के अंदर दो आर्क एंजल का नाम बताया गया है, जिसमें है माइकल एंड गैब्रियल, और कुरान के अंदर चार आर्क एंजल्स के बारे में लिखा गया है जिनके नाम है गैब्रियल,
माइकल, रफाइल एंड अजराइल। इन आर्केंजल्स के हमने डेज भी देखे, कौन से आर्केंजल्स के लिए कौन सा डे बनाया गया है और कौन से आर्केंजल का कलर कौन सा है। क्रिस्टल, थर्ड फर्दर एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन एसोसिएटेड विद आर्केंजल्स। आर्केंजल्स के जेमस्टोन भी होते हैं। अब जेमस्टोन जो एस्ट्रोलॉजी करते उन्हें पता होगा, रत्न होते हैं जो हम पहनाते हमारे क्लाइंट्स को ताकि उसे वो बेनिफिट्स दे। सो माइकल के लिए जो रत्न है इट्स ए सुजिलाइट या आप एमेथाइस्ट भी कह सकते हैं इसे, जो दिखने में बिल्कुल पर्पल कलर का होता है। आई होप यू मस्ट हैव सीन नीलम दैट इज ब्लू सफायर। सो बिल्कुल ये जो कलर है वो माइकल के लिए है। गैब्रियल के लिए कॉपर कलर, कॉपर का जो रत्न होता है। रफाइल के लिए एमराल्ड या मेलेशाइट, मेलेशाइट ये अल्टरनेट जेमस्टोन होते हैं। एंड उराइल के लिए अंबर या यू कैन से येलो सफायर। ये रत्न ये रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वन थिंग मेक इट श्योर कि आप इस चीज को इस तरह से नहीं लेंगे कि सर मेरा आर्क गार्जियन एंजल जो है वो माइकल है तो मुझे सुजिलाइट पहन लेना चाहिए रतन, या गैब्रियल है तो कॉपर का कोई रतन पहन लेना चाहिए, या एमराल्ड है तो ग्रीन कलर का रतन। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, हमारी जो ये जर्नी है, ये जो हमारा कोर्स है, वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को सपोर्ट नहीं करता। ये जो कोर्स है, ये जो नॉलेज है, ये हमारे बिलीफ पे चलता है। Is that clear? I hope आपको ये बात समझी होगी। Explanation further बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ हर आर्केंजल की speciality क्या है। Friends, चार आर्केंजल की speciality मैंने यहाँ लिखी है और at the end of our notes मैंने tabular format में बाकी 11 आर्केंजल्स की speciality आपको दे दी है। But believe me, ये चार gem of all है। इनके अलावा आपको कभी पांचवे आर्केंजल की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं माइकल। माइकल का स्पेशलिटी क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, गॉड की वो कौन सी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, करेज, कॉन्फिडेंस, सेफ्टी, लाइफ पर्पस गाइडेंस, फिक्सिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। फ्रेंड्स, इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। गॉड के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है गॉड किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, किसी ह्यूमन काइंड को जिस चीज की कमी है वो चीज उसे देने के बारे में सोचता है। गॉड मीन्स परमात्मा, भगवान, जिस नाम से आप उसे पुकारे। अगर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन काइंड को गॉड को लगता है कि मुझे उसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उसे करेज देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, आत्मविश्वास, सेफ्टी, सुरक्षा देनी चाहिए, या वो पर्सन अपना लाइफ पर्पस भूल चुका है, दिशाहीन है, या उसके पास कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो बार बार खराब हो रही है, तो गॉड ने ये काम माइकल को सौंपा है। वन पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, कोई भी आर्केंजल आपके फ्री कर्मा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इट मींस कि आप तकलीफ में है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आप दिशाहीन है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि माइकल आके आपको हेल्प कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। या माइकल सामने से आके बोल दे मुझे इसे प्रोटेक्शन देना चाहिए या करेज करनी चाहिए या कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये चीज नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। आपको उनकी हेल्प मांगनी पड़ेगी। और यही चीज हम यहाँ पे सीखने आए हैं कि हम किस प्रकार इन आर्क एंजल से हेल्प मांगे ताकि हम हमारे क्लाइंट के इन कार्य क्षेत्रों को प्रॉपरली कवर कर पाए और उन्हें
कंसल्ट कर पाए, ट्रीटमेंट और सोल्यूशन दे पाए। माइकल, ये है माइकल। गैब्रियल की कार्य क्षेत्र में, वर्क एरिया में क्या आता है? तो डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट एंड क्लियर मैसेजेस। यहां अगेन हम सेक्रेट टेक्स्ट का एक सहारा लेंगे। कुरान में प्रोफेट मोहम्मद, जो मेन इस्लाम में माने जाते हैं, उन्हें गॉड ने मैसेज भेजा था जिब्राइल के द्वारा, और ये वही है गैब्रियल जिन्हें कुरान में जिब्राइल कहा गया था। और कुरान जो है पाक होली बुक हमारे सामने आया। गैब्रियल का काम ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मैसेजेस को पहुंचाना है। इसके अलावा हेल्पिंग दोज हु आर मैसेंजर्स, द पर्सन हु बिलोंग्स टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, राइटिंग, एक्टिंग, एन आर्टिस्ट, एनी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। दे कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑफ गैब्रियल। बिकॉज अगर हम इन सारे एरिया को ध्यान से देखें तो ये एरिया भी मैसेज डिलीवर करने से रिलेटेड ही है। जैसे टीचर अपने स्टूडेंटों को मैसेज डिलीवर करते हैं, राइटर्स भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, फ्रेजेस, आर्टिकल्स लिख के लोगों को कुछ जागरूकता अवेयरनेस देते हैं। एक्टर्स स्टेज के जरिए, आर्टिस्ट भी स्टेज के जरिए कोई ना कोई मैसेज हमें देते हैं। सो गैब्रियल एक अच्छे मैसेंजर है, क्लियर मैसेजेस देना इनका काम है। टीचर, राइटर, एक्टर और आर्टिस्ट को भी मैसेंजर्स हेल्प करते हैं, गैब्रियल हेल्प करते हैं। असिस्टिंग विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग से रिलेटेड सारे एरिया को कवर करना। पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स, इंक्लूडिंग कंसेप्शन, अडॉप्शन एंड बर्थ। यानी अगर किसी को कंसेप्शन, चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम है, या वो सोच रहे हैं अडॉप्ट करने के बारे में किसी चाइल्ड को, या बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो दे कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑफ गैब्रियल। गॉड ने इन्हें खास बनाया ही है, भगवान ने इनको खास बनाया ही है ताकि वो ह्यूमन बीइंग तक, इंसानों तक क्लियर मैसेजेस पहुंचा सके। रफाइल तीसरे नंबर पे है। रफाइल, इनका एरिया ऑफ वर्क है हीलिंग ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, हीलिंग का काम करना। अगर लोगों को हील करना है, एनिमल्स को हील करना है, तो ये काम रफाइल से किया जाता है। सो अगर आपके गार्जियन एंजल रफाइल है तो आप लोगों को हीलिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स को हीलिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। गॉड ने इन्हें बनाया इसलिए है क्योंकि वो हीलर को हेल्प कर सकते हैं, गाइडिंग हीलर्स इन देयर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। जो पर्सन, जो पीपल हीलिंग सेक्शन में काम करते हैं, हीलिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो एजुकेशन देते हैं हीलिंग का या प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो चाहे तो रफाइल की हेल्प ले सकते हैं। गाइडेंस देने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का काम ही होता है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उनको भी अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो वो रफाइल से हेल्प मांग सकते हैं। और आपको अपनी सोलमेट से मिलाने में भी रफाइल आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे चौथे आर्कजिल आ जाते हैं, उरायल, जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कन्वर्सेशंस, आइडियाज, इंसाइट्स एंड एपिफेनीज, स्टडिंग, स्कूल एंड टेस्ट टेकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जैसे एरिया को कवर करते हैं। अगर आपको कोई चीज इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी हो, कोई किसी के साथ कन्वर्सेशन करना हो, नई नई आइडियाज लानी हो, इनसाइट अपने आपके, हम कहते हैं अंतःकरण में कुछ पूछना हो, या कुछ चीज प्रकट करनी हो अपने दिमाग में, स्टडी के बारे में, स्कूल के बारे में, टेस्ट के बारे में, लिखने के बारे में, या बोलने के लिए, अगर आपको कहीं तकलीफ आ जाती है, बोलने में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप उरायल से हेल्प मांग सकते हैं।
फ्रेंड्स, ज्यादातर हिस्टोरियंस या रिसर्चर ने उराइल के बारे में सिर्फ इतना बताया है, बट जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उराइल की मदद से आप जो अर्थक्वेक जिस एरिया में, जिस देश में हुआ है, वहां अगर आपको हीलिंग पहुंचानी हो तो भी आप उराइल की हेल्प ले सकते हैं। कहीं पे सुनामी आ गया है, कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे हेवी रेनफॉल हो गया है, तो वहां पे भी आप उराइल के जरिए हीलिंग्स पहुंचा सकते हैं। ये रहे हमारे आर्क एंजल्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस। एक और पॉइंट है जो हम यहाँ डेफिनेटली कवर करेंगे, और ये ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आर्क एंजल्स एंड रेकी सिंबल्स। आर्क एंजल्स एंड रेकी सिंबल्स, कौन से आर्क एंजल, कौन से रेकी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये चीज मैं हमेशा बोलते रहूंगा फ्रेंड्स, मैंने जिस हिसाब से एंजल कार्ड रीडिंग सीखी है, तो यहां मैंने रेकी का इस्तेमाल किया हुआ है। जब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की अटेंडमेंट लेते हैं, तब हमें इन सारे सिंबल्स को सिखाया जाता है हमारे ग्रैंड मास्टर या मास्टर्स के द्वारा, और जाने अनजाने में ये जो सिंबल्स है, ये इन एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे माइकल का रेकी सिंबल है डाइकुमियो। डाइकुम जब जब आप बनाते हैं, तो आपके ग्रैंड मास्टर आपको बताते हैं कि आप गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर निकालिए, और पर्पल कलर को, रॉयल ब्लू कलर को आपको इमेजिन करने में या इमेजिन करने को बताया जाता है, और फिर आप वहां डाइकोमियो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे अभी हमने ऊपर देखा, माइकल कौन से कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रॉयल पर्पल। गैब्रियल चौकूरे सिंबल, बहुत ही फेमस, ताकतवर, मजबूत सिंबल है ये। किसके लिए बनाया गया है? गैब्रियल के लिए। यानी जब आप चौकूरे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जाने अनजाने में गैब्रियल से हेल्प मांग लेते हैं। रफाइल के लिए से है की, एंड उराइल के लिए हॉन शो जे शो नैन, ये जापानी कांजी है, हॉन शो जे शो नैन, जिन्होंने डेफिनेटली रेकी के या किसी भी मोडालिटी के ये कोर्सेस किए हैं, उनको डेफिनेटली इन सिंबल्स के बारे में पता होगा। ये सिंबल्स से भी हम इनकी मदद मांग सकते हैं, और अगर हम इन सिंबल्स की मदद से आर्क एंजल से हेल्प मांगते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं एंजल रेकी। क्या कहेंगे हम इसे? एंजल रेकी। बट एज सच फ्रेंड्स, रेकी सिंबल्स का इस्तेमाल प्रैक्टिकली कार्ड रीडिंग में कैसे किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस व्हाइल डिस्कसिंग प्रैक्टिकल पोर्शन। आई होप आपको यहां तक ये चीज थरोली समझ में आई होगी। अब हम हमारे लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हु इज योर गार्जियन आर्क एंजल। फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं आपको। यू एंड एवरी इंडिविजुअल हैव पर्सनल गार्जियन एंजल असाइन टू यू थ्रू आउट योर लाइफ। हर एक इंसान को, हर इंडिविजुअल को पर्सनल गार्जियन एंजल पहले से असाइंड है, और वो एंजल थ्रू आउट द लाइफ उनकी हेल्प करेगा, कर सकता है। लेकिन किसका आर्क एंजल गार्जियन है, किसका आर्क एंजल गार्जियन एंजल बनता है, दैट टोटली डिपेंड्स कि रेकी सीखते वक्त, जब आप लेवल 2 लेवल 3 तक पहुंचते हैं, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, उस मेडिटेशन को करते वक्त अगर आपको रॉयल पर्पल की कलर्स दिखाई देते हैं, तो ये साइन है कि आपके गार्जियन एंजल माइकल है। जब आप
मेडिटेशन करते हैं पर तब आपको अगर रेड कलर या कॉपर कलर नजर आता है तो आपको ये साइन दिया गया है कि आपका गार्जियन एंजल गैब्रियल है। उसी प्रकार अगर आपको एमराल्ड ग्रीन कलर नजर आता है जब जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके गार्जियन एंजल बनते हैं रफाइल। और जब जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपको अंबर या येलो कलर नजर आता है तो आपको ये सिग्नल दिया गया है गॉड के द्वारा कि आपके गार्जियन आर्क एंजल उराइल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हमें एंजल कार्ड रीडिंग को और इफेक्टिव बनाना है तो डेफिनेटली हमें रेकी का सहारा लेना चाहिए। और भी लोग हैं जैसे यूएस में, यूके में भी ये आर्क एंजल के कोर्सेस करवाते हैं, बट वो रेकी से कनेक्शन कुछ रखते हैं, कुछ कनेक्शन नहीं रखते। तो फिर वहां फिर किस तरह से वो लोग एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे माइकल, गैब्रियल, रफाइल या उराइल, जो कोई भी आपका गार्जियन एंजल है, उसके ऊपर मेडिटेशन करवाते हैं, उनको याद करवाते हैं। और ये मेडिटेशन इनके जो डेज बताए गए थे, आप लेक्चर को थोड़ा सा देखिए, याद करें पीछे जाके, यस ये रहा, देखिए माइकल के लिए संडे, गैब्रियल के लिए मंडे, रफाइल के लिए ट्यूसडे, उराइल के लिए वेनेसडे। एज सच हर एंजल के लिए वो आपसे मेडिटेशन करवाते हैं और फिर वो कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, एज सच आप मेडिटेशन तो कर ही थे, सो क्यों ना हम रेकी के बाद आर्क एंजल को करें, तो हमें इनके इंडिविजुअल मेडिटेशंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने रेकी के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को सीखा हुआ है और हम अपना गार्जियन आर्क एंजल आसानी से ढूंढ सकते हैं। सो फ्रेंड, ये पॉइंट था हमारा सेकंड। क्विकली रिकैप कर लेते हैं, समराइज्ड। सबसे पहले हमने देखा हु आर एंजल्स, टोटल डिस्कशन मैंने आपसे किया। एंजल्स कौन होते हैं? सुपर नेचुरल बींग्स जो हर रिलीजियस और माइथोलॉजीज में मिलते हैं। एब्राहमिक रिलीजन में इनको बेनेवोलेंट सेलेस्टियल बीइंग भी कहा गया है, जो इंटरमीडियरी बनते हैं गॉड, हेवन और ह्यूमैनिटी के बीच। इनके अदर रोल्स में प्रोटेक्टिंग, गाइडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है और ये गॉड के काम को भी कैरी ऑन करते हैं। इनके पास ज्यादा एबिलिटी और पावर होती है और ये एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में। नेक्स्ट हमने देखा आर्क एंजल्स क्या होते हैं, आर्क एंजल वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया आर्ची या आर्की, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल, फर्स्ट या थीफ, और एंजलोस का मतलब होता है मैसेंजर, यानी फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड को हम कहेंगे आर्क एंजल्स। कुल मिला के 15 आर्क एंजल्स है जिनको मैंने डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। दो आर्क एंजल ऐसे हैं जिनके नाम के अंत में ऑन वर्ड आता है और 13 आर्क एंजल्स ऐसे हैं जिनके नाम के अंत में एल वर्ड आता है। सेक्रेट टेक्स्ट का भी मैंने रेफरेंस दिया, कौन से दो टेक्स्ट में कौन से एंजल्स के बारे में लिखा है, तो द बाइबल के अंदर माइकल और गैब्रियल का रेफरेंस है, कुरान के अंदर गैब्रियल, माइकल, रफाइल और अज़राइल के बारे में बात की गई है। फिर मैंने आपको बताया कौन से एंजल के कौन से डेज, कौन से एंजल का कौन सा हालो कलर, कौन से एंजल का क्रिस्टल एंड स्टोन, उनके एरिया ऑफ वर्क दैट इज स्पेशलिटी, और उनके रेकी सिंबल, और किस प्रकार आप अपना गार्जियन एंजल फाइंड आउट करेंगे। आई होप फ्रेंड आपको यहां तक थरोली समझ में आया होगा। अब हम अपने इस श्रृंखला को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमें एंजिल जवाब कहां देंगे, एंजिल हमें जवाब कहां देंगे? मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़े वक्त के लिए स्टॉप कर रहा हूं।